ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में भी पानी भर गया है। चंद घंटों की बारिश और उसके बाद पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह गौर सिटी वन के बेसमेंट में पानी भर गया है। कार पार्किंग में पानी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो कारें हैं वो पानी पानी हो गई है। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद गौर सिटी में कैसे हालात पैदा हो गए हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा के गौर सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार के बेसमेंट में पानी भर गया और किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीरें जो हैं वो साफ दिखा रही हैं कि कैसे बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। ये अब आगे चलिए गाजियाबाद से दिखा दे आपको। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के सरकारी आवास में पानी भर गया, एक घंटे की बारिश से पानी पानी हो गया। नगर आयुक्त का बंगला, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सड़क दिखाई नहीं दे रही है, बंगले के अंदर पानी घुस गया है। ये सरकारी बाबू का कार्यालय है, इसमें सरकारी अफसर रहते हैं, उनका कार्यालय डूब गया है। मतलब कितनी अव्यवस्था है, कितनी दिक्कतें हैं। ड्रेनेज सिस्टम को साफ नहीं किया गया है कि सरकारी बंगला भी डूब गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इलाके नीचे होंगे, जो निचले इलाके होंगे, वहां कैसे उनके घरों में पानी अब तक घुस चुका होगा। ये वहां की तस्वीर गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, इसमें सरकारी आयुक्त का एक कार्यालय जो पानी में डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से गुरुग्राम में भी कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आया। गुरुग्राम के नरसिंहपुर चौक के पास सर्विस लेन में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लोग परेशान हैं बारिश की वजह से। मानसून की बारिश उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत तो लेकर आती है, लेकिन दिल्ली NCR के लोगों के लिए यही बारिश आफत में तब्दील हो जाती है। वो कैसे, ये आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की एक तस्वीर के जरिए। गुरुग्राम का दिल्ली जयपुर हाईवे ये है, यहाँ पर आपको पानी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, इसलिए पानी सड़क पर अभी नहीं भरा। लेकिन जब बारिश लगातार होती है तो ये पूरा नेशनल हाईवे ट्रैफिक जैम से बंद हो जाता है। लेकिन जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसके बाद से गुरुग्राम का क्या हाल है, इसकी तस्वीर आपको ये सर्विस लेन की दिखाते हैं जहाँ पर घुटनों से थोड़ा नीचे तक पानी भरा हुआ है और ये पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर बारिश बढ़ती है या लगातार होती है तो उसके बाद ये जो सर्विस लेन में जो पानी भरा हुआ है ये पानी बाहर जो नेशनल हाईवे है वहाँ तक पहुँच जाएगा और फिर वहाँ पर गाड़ियाँ आगे बढ़नी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और उनके बाहर पानी लबालब भरा हुआ है। जो कर्मचारी हैं उनके लिए जाने काम करने के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कैसे गाड़ियां जो हैं वो अपनी 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 जगहों पर जा रही हैं, जिसकी फैक्ट्री अंदर की तरफ है उसे इस रास्ते से ही जाना पड़ता है, इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता है नहीं। ऐसे में कई बार गाड़ियां इस पानी में फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए लोग किस तरीके से सड़क पर चलने को मजबूर हैं, गाड़ियां किस तरीके से निकल पा रही हैं। अब आप समझिए कि ये जो पानी आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, अगर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक दिल्ली NCR गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर बारिश होगी, तो जब बारिश होगी तो ये पानी यहाँ नेशनल हाईवे पर आ जाएगा और दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से ठप हो सकता है पानी भर जाने की वजह से। तो प्रशासन की नाकामी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है गुरुग्राम में। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज गुरुग्राम। तो जरा सी बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा हालात खराब सराय काले खां के पास हुए हैं। पानी सड़कों पर भर गया है, गाड़ियां उसी भरे हुए पानी से निकल रही है। NCR में हुई बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हम फिलहाल मौजूद हैं सराय काले खां के बस स्टॉप के ठीक सामने। यहां पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो जल जमाव जल भराव की स्थितियां साफ तौर से यहां पर आपको नजर आएंगी। जो गाड़ियां हैं वो इसी से क्रॉस कर रही हैं और लगभग आधे घंटे के करीब दिल्ली NCR में बारिश हुई, जिसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सराय काले खां के बस स्टॉप जहां पर बस आकर रुकती है और यात्री अपनी बसें लेते हैं और उसकी ये तस्वीरें किस तरह से यहां पर हैं। काफ़ी ज़्यादा यहां पर पानी भरा हुआ है और जिसके चलते बस स्टॉप का जो सामने का हिस्सा है वो भी जलमग्न है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।